हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा किन क्लासेस। प्यारे बच्चों, इस शॉर्ट क्लिप में हमने प्रीवियस क्लिप में पढ़ा था मैट्रिक्स, जो आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, और आज की इस क्लिप में हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, देखिए समझते हैं क्या है। कह रहा है अ मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाय एन और सिंपली एम बाय एन मैट्रिक्स। ठीक है, रीड एज एम बाय एन, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। जैसे मान लीजिएगा, आपने पिछली क्लिप में तो आपने पढ़ाई है, नहीं पढ़ा है तो जाकर देख लीजिएगा, -1 0 1 2 5 3 0 0 1। आपके सामने इसका ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर देखने के लिए आपको इसमें रोज देखनी है। मैंने पिछली क्लिप में बताया था ये रो वन है, ये रो टू है, रो थ्री है, तो इसकी टोटल रो हो गई थ्री। बाई का आप सिंबल लगा देंगे, उसके बाद इसमें कितने कॉलम है, कॉलम वन, कॉलम टू और कॉलम थ्री, तीन कॉलम है, तो ये आ गया आपका थ्री। तो ये हो गया आपके सामने 3 by 3 का मैट्रिक्स। यू गॉट द पॉइंट, अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपके सामने क्या, 3 by 3 का मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या हो गया भाई, ये हो गया इसका ऑर्डर, राइट। अभी मैं एक और मैट्रिक्स लिखता हूँ 5 2 0 -1। अब आप इसको देखेंगे तो इसमें बताइए कितनी रोज है। तो मैंने बताया था वर्टिकल रो होती है, सॉरी हॉरिजेंटल रो होती है और वर्टिकल कॉलम होती है। तो पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं, तो ये 2 by 2 का ऑर्डर हो गया। ठीक है, या फिर इसको हम सीधे, अगर रोज और कॉलम सेम है तो हम इसको बोल देते हैं ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स डायरेक्टली, क्योंकि अगर रोज और कॉलम सेम हो तो ये ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है। इसके अलावा एक और मैट्रिक्स लिखकर दिखाता हूं मैं, ए की जगह मैं सी लिख लेता हूँ, क्योंकि ए ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। -1 0 5 2 3 5। अब इसको देखते हैं ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। देखिए भैया, ये हो गया कितनी रो है इसमें, रो वन, रो टू और रो थ्री, तो 3 by column 1 column 2, तो 3 by 2 का मैट्रिक्स हो गया। तो इसका ऑर्डर हो गया क्या, 3 by 2। अंडरस्टूड? क्या आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? इफ यस देन प्रोसीड करते हैं आगे। ठीक है, तो ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ऐसी और मजेदार और इंफॉर्मेटिव क्लिप के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू।